दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है और आप गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? आप अमेरिका में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, और यहाँ भारत में आकर के बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं। एक हाथ में जय भीम जय मंडल और दूसरे हाथ में परशुराम की कटार, ये कभी नहीं चलेगा, वरना पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। विष्णु मंदिर परशुराम मंदिर बनवा के बहुजन से सर्वजन करवा के आप क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे? इस देश में जब स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए तो मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हो रहा है। ये अम्बेडकर के सपनों का भारत है। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते थे वो आज आलीशान महलों में रह रहे हैं, और जिन्होंने उनके किताबों को एक किया वो आज ऐसे टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और हो क्या रहा है, शिक्षा बिक गई है, हवाई चप्पल वालों को जहाज में जलाएंगे, जहाज बिक गया, एरोप्लेन बिक गया, रेलवे बिक गई, सरकारी नौकरी -1% बची है, आपका रिजर्वेशन कहाँ बचा है? ये अम्बेडकर के सपनों का भारत है क्या? कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का जो भारत है, सामाजिक न्याय का जो भारत है, उसे कैसे बनाया जाए और उसमें बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका हो सकती है, इस बात में हमें अपनी बात कहनी है। और आपने मुझे बुलाने का जोखिम भी उठाया है तो मैं पूरे भरोसे पर खरा उतरूंगा, क्योंकि न तो अभी मैं किसी पार्टी का विधायक हूं, न सांसद हूं, और न मुझे आपका वोट चाहिए। यह एक वैचारिक आयोजन है, क्योंकि आपने डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के तथागत बुद्ध का नाम लिया है, इसलिए यहां से सच बोलना बहुत जरूरी है। और आपके विषय पर पहली मेरी बात यही है कि बुद्धिजीवियों की आज सबसे बड़ी भूमिका क्या है। पहली बात तो यह कि मैं अपने को कोई बुद्धिजीवी नहीं मान रहा, अभी तो हम सीख रहे हैं। मैं उस जमीन पर हूं जहां अभी आज अलीगढ़ में हम अनंत राव अकेला साहब से मिलकर आए और मान्यवर कांशीराम का संग्रह लेकर आए कि डॉक्टर अंबेडकर ने जितना जो बात कही थी मान्यवर कांशीराम ने, डॉक्टर अंबेडकर ने किताबों को जोड़ा, मैंने लोगों को जोड़ा है। उनके साथी से ये ऊर्जा लेकर आया, उनका घर देख करके आया जिस घर में वो रह रहे हैं, और उनकी पीड़ा भी सुन करके आया। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते थे वो आज आलीशान महलों में रह रहे हैं, और जिन्होंने उनके किताबों को एक किया वो आज ऐसे टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप कहीं उस रास्ते तो नहीं जा रहे कि जैसे देवी देवता का नाम लेकर के राजनीति हो, माला पहनाया जाए, आप वहां पर डॉक्टर अंबेडकर को रख देंगे, तथागत बुद्ध को रख देंगे, तो हमारे जैसे लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। पहली बार, और उस समय उन्होंने कहा था बुद्धिजीवियों की भूमिका, मैं कोट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को यह बात कह रहा हूं, 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक वाक्य कहा एक सभागार में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और वो धोखा क्या था? वो हमारे जैसे लोगों ने धोखा दिया, हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। मैं अपने को शामिल करके ये बात बोल रहा हूं, हम माहौल बदला है तो डॉक्टर अंबेडकर के बिना अब किसी का काम नहीं चल पा रहा है। सब नाम ले रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर का, और वो लोग भी नाम ले रहे हैं जो अपना सारा काम डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कर रहे हैं। इस खतरे से बचना जरूरी है। मैं कोट पढ़ रहा हूं, 1940 में किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं आप सुनिए, अगर हिंदू राज हकीकत बनता है
तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर कह रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल केवल अपने विषय के लिए कर रहा हूं। आपने मुझे विषय दिया है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या होगी, तो बुद्धिजीवियों की भूमिका यह होगी कि आंख में आंख डाल करके वह सच कहा जाए जो वक्त में कहने पर जेल में भेजा जा रहा है। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा? आप ये कहेंगे कि हमने उनकी मूर्ति बनवा दी, उनका आवास जो पुराना आवास था उसको बना दिया, हम आपको धन्यवाद कहेंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में क्या था, आप कह रहे हैं शिक्षा थी। तमाम नेता लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बुद्धिजीवी इशारों में बात करता है। हम किसी व्यक्ति और नेता को इतना महत्व क्यों दें कि उसका नाम लेने की जरूरत पड़े? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा, फूले, पेरियार, यहां से लेकर तथागत बुद्ध तक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? शिक्षा की, आपने भी कहा। शिक्षा की लड़ाई अगर सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए सारा काम हो रहा है, तो एक बात बताइए, इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए, तो मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हो रहा है। अंबेडकर के सपनों का भारत है। कितने नए विश्वविद्यालय और स्कूल बने? मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में, आज तक अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि सच बोलने पर आप मुझे क्या करेंगे। अरे मैं आपकी तारीफ करता तो मुझे आज एसोसिएट प्रोफेसर बना देते, लेकिन मुझे पता है कि आपसे अगर इतनी मदद ले लूंगा तो वही बोलना पड़ेगा जो इस मंच से मजबूरी में बोलना पड़ता है, इसलिए सच बोलूंगा। अब मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। पहली चुनौती आज के नौजवानों की, नई शिक्षा नीति बनाई गई है, मैं तीन क्लॉज उसके बता रहा हूं। पहला, स्कूल जो पर हर एक गांव के पास स्कूल बनाए गए थे, उन स्कूलों को अगर 3000 से कम विद्यार्थी हैं तो उन्हें मर्जर या क्लोजर की पॉलिसी के तहत बंद किया जाएगा और गांव में मेटा स्कूल बनाए जाएंगे। बताइए, यह शिक्षा क्रांति है। दूसरी बात, 45,000 डिग्री कॉलेज इस समय इस देश में आज हैं। नई शिक्षा नीति 2020 कह रही है कि 20 साल में 45,000 डिग्री कॉलेज को क्लोजर और मर्जर के जरिए 15,000 डिग्री कॉलेज पर लाया जाएगा, उनके तीन ग्रेड बनाए जाएंगे। इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, दुनिया में इंसान में कोई भेद नहीं, यहां पर इंसान, और वो भी कैसे इंसान, दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, यहां कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है और आप गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं? ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? ये बुद्धा, फूले, पेरियार के सपनों का भारत है क्या? नई शिक्षा नीति में क्या लिखा गया है, क्लॉज पढ़ के बता रहा हूं। उन सब में ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी गई है, उसका आसान भाषा में समझिए। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब है तीन ग्रेड के यूनिवर्सिटीज आपके देश में चलेंगे, डिग्री कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटीज। सी ग्रेड के यूनिवर्सिटी जैसे गवर्नमेंट फंड देगी, और उसमें गवर्नमेंट फंड देगी लेकिन कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, और उस इंस्टीट्यूट के ऊपर यह प्रेशर रहेगा कि वो अगले नैक, नेशनल एकेडमिक एश्योरेंस जो कमेटी है, उसके नैक के रिपोर्ट के पहले वो ग्रेड को मॉडिफाई करके बी ग्रेड में जाए। बी ग्रेड में जो सिलेबस जो दिया जाएगा वह आधा गवर्नमेंट पैसा देगी और आधा इंस्टीट्यूट को अपने जनरेट करना होगा, और ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होगी जिसको एक भी रुपया सरकार नहीं देगी, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस चलेंगे और ग्रेडेड ऑटोनॉमी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए उनका पूरा काम चलेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जहां सबसे कम स्किल और सबसे कम पैसा रहेगा वहां क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी पढ़ने जाएंगे? आपके घर के बच्चे पढ़ने जाएंगे? आपके घर के बच्चे वहां जा पाएंगे? और जहां फीस अगर 1,00,000 रुपए हो जाए तो वहां कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी जाएंगे?
नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयों तक अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया है। क्या यह अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? और यह बात आप कह रहे हैं कि हमने क्रांति कर दी। किस बात की क्रांति? कितने नए स्कूल खुले, कितने नए। अब तीसरी बात, इस देश में मैं दिल्ली में रहता हूं, अशोका गलगोटिया और एमिटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खुली है, वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। किसी एक में रिजर्वेशन लागू है क्या? नहीं है ना। रिजर्वेशन अभी मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, एक समय जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो 50-60% गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलता था। आज क्या हुआ? वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और हो क्या रहा है? शिक्षा बिक गई है, हवाई चप्पल वालों को जहाज में जलाएंगे, जहाज बिक गया, एरोप्लेन बिक गया, रेलवे बिक गई, सरकारी नौकरी -1% बची है, आपका रिजर्वेशन कहां बचा है? ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। तीसरी बात, जो शिक्षा और रोजगार दो बात हमने कर लिया, अब आइए स्वास्थ्य पर। इस देश में खांसी जुखाम नजला से कोई मर जाए तो ये राष्ट्र किस बात का राष्ट्र है? डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में यह बात कही थी कि इस देश में सबको राजनीतिक बराबरी दे दी गई, हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया है, लेकिन अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो यह राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं। यह संविधान अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो कागजों का पुलिंदा है और मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। आज उस संविधान के आधार पर आपको क्या मिला? रिजर्वेशन। आपको क्या मिला? 90 के बाद तो पहली बार आपके हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू हुआ। 1997 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला। 2006 में मंडल की दूसरी अनुशंसा लागू होने के बाद हायर एजुकेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। और 2018 तक आते आते आपसे दलित पिछड़े आदिवासी हायर एजुकेशन में बर्दाश्त नहीं हुए और आपने 13-point roster ले आया। 13-point roster के अंबेडकर के सपनों का भारत का रोस्टर था क्या? ये सवाल मेरा आपसे। ये हायर एजुकेशन का संकट है आपके सामने। इस देश में पिछली बार 2 अप्रैल 2018 को इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी पसमांदा लोग मुट्ठी बांध करके इस देश की सड़कों पर क्यों उतरे थे? क्योंकि उनके एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी की गई थी, तब आप सड़कों पर उतर करके उनको झुकने को मजबूर किए। दूसरी बार 13-point roster इसलिए लाया गया था 5 मार्च 2018 को, पहली बार मैंने आरटीआई लगाई है। 1 जनवरी 2020 तक इस देश में जो डेटा है वो मैं डेटा आपके सामने रखता हूं। बुद्धिजीवी का मतलब केवल भावुक भाषण देना नहीं होता। ओबीसी रिजर्वेशन आया 2006 में, उसके बाद इस देश में नई शिक्षा नीति आ गई। पहली बात तो यह समझिएगा कि अब पूरी प्राइवेट शिक्षा अब प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है 40% सिलेबस अब ऑनलाइन मोड में चलेंगे। कितने घरों के बच्चे ऐसे हैं जो वो अपने बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप दे सकते हैं? एक मुख्य अतिथि जी का भाषण चलाना था, कितना मुश्किल हुई। मेरी अपनी क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं और ऑनलाइन में आज 25 विद्यार्थी बाहर हैं। मैं दावे करता हूं वो 25 विद्यार्थी दलित पिछड़े आदिवासी हैं जिनके घरों में मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है। आप वहां नहीं शिक्षा ला रहे हैं। आप बुनियादी जरूरत तो पैदा कर नहीं पाए। और मैं डेटा पढ़ रहा हूं, 1 जनवरी 2022 का डेटा, वो डेटा आपके सामने कह रहा है 97.6% ओबीसी प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, 95% शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर की पोस्ट खाली है और 93.8% शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत का मतलब यह है कि 85% दलित पिछड़े आदिवासी पसमांदा के 85% प्रोफेसर होने चाहिए, 85% डॉक्टर होने चाहिए, 85% इंजीनियर होने चाहिए, और आप क्या बना रहे हैं? तीसरा मुद्दा स्वास्थ्य का, राष्ट्र बनने का मतलब क्या था? राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आज वो लोग बांट रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग करके कहा था कि हमको पेंशन दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और वो लोग आज कह रहे हैं, उन लोगों को सिखा रहे हैं जिनके पुरखों के हाथों ने इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया। हम क्रम कमेरा जाति के लोग हैं,
कुर्मी, कोयरी, लोहार, नाई, मोची, मल्ला, निषाद और तमाम वो जातियां जिन्होंने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया है, इस राष्ट्र को बनाया है, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कय्यूम अंसारी, एसएम बिहारी, नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और वहां से लेकर के शाहू जी से होते हुए डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मंडल और कांशी राम, इन लोगों की विरासत ने जिस राष्ट्र को बनाया, आज कोई और आके हमसे कहता है कि पहले कागज दिखाओ कि तुम इस देश के नागरिक हो कि नहीं, नागरिकता इस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपके अपने जिले में भी एक मंदिर के नाम पर दंगा कराने वाले लोगों को पहचानिएगा और उन संगठनों को पहचानिएगा जो धर्म के नाम पर है, उनसे पूछिए कि आपकी शिक्षा और रोजगार के लिए कितना आंदोलन किए, कितना आंदोलन हुआ आपके शिक्षा और रोजगार के लिए। मैं विश्वविद्यालय से हूं इसलिए सच बोल रहा हूं। आखिरी बात, स्वास्थ्य व्यवस्था उस राष्ट्र की सबसे बड़ी जरूरत थी ना। पहले के जमाने में कहा जाता था कि तीन चीजें एक जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। इंसान होने की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हमारे पुरखों ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट चलाया, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आत्मसम्मान से जीना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और ऐसे पुरखों के वारिसों को कहा जा रहा है कि अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लो, क्योंकि हमने डॉक्टर अंबेडकर की लंबी सी मूर्ति बना दी है और उस पर माला चढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था, आखिरी बात कहकर के आपसे विदा लूंगा। कोरोना आया, दुनिया जब कोविड से लड़ रही थी, हमारे यहां कहा जा रहा था गोबर ले लो, गौमूत्र पी लो, कोरोना दूर हो जाएगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप जिस धर्म की किताबों के नाम पर नफरत फैलाते हैं, आप जाइए और अमेरिका में बोलिए कि हमारे यहां कुछ लोग ये बात कहते हैं कि महाभारत काल में इंटरनेट था, हम नाली के गैस से चाय बनाते थे। दुनिया जब विज्ञान और चेतना की बात कर रही, आप अपनी पीढ़ियों को मूर्ख बना रहे हैं, आप उन्हें धर्म के नाम पर 20, 25 साल, 30 साल पीछे ले जा रहे हैं। अमेरिका में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, और यहां भारत में आकर के बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं, हमें वो बात सच कहनी होगी। और उस समय जो दुनिया में क्या हो रहा था, दुनिया कोविड से लड़ रही थी, आपके सामने जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है, वही इशारा करके जा रहा हूं, आपके सारे पब्लिक फंडेड एजुकेशन, पब्लिक फंडेड सेक्टर, अंबानी और अडानी जो दोस्त चुनाव लड़वाते हैं ना, उनके हाथों बेच दिया गया है, आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। और वही बेचने के लिए आज कहा जा रहा है कि हम मौद्रीकरण कर रहे हैं इस देश में। यहां का मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार कराता है, जिसके जेब में पैसा है वो अपना प्रचार कराते जाओ। कोविड आया, लाशें किस राज्य की नदी में तैरी थी, कौन सा धर्म इजाजत देता है कि दफना दो अपने लोगों को। और आखिरी सवाल, अगर सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय बेचे जाते हैं तो क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिव नहीं है। एयरपोर्ट क्यों बेचा जा रहा है? प्रोडक्टिविटी नहीं है। सरकारी संस्थान घाटे में हैं, भेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, बैंक वालों ने हड़ताल किया था ना, ये सारा कुछ बेच रहे हैं, क्या कहकर? प्रोडक्टिविटी नहीं है, राष्ट्र ये घाटे में जा रहा है। दो सवाल, कोरोना में जब सब लॉकडाउन लगा था तो आपकी जान किस अस्पताल ने बचाई थी, सरकारी अस्पताल ने कि प्राइवेट अस्पताल ने? प्राइवेट अस्पताल तो बंद थे, सरकारी अस्पताल ने जान बचाई, तो जो प्रोडक्टिव नहीं है वो जान कैसे बचा रहा था? और दूसरा सवाल, अगर ये सारी चीजें घाटे में हैं तो ये अंबानी और अडानी उसे खरीद क्यों रहे हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। आप जिसको कह रहे हैं ये घाटे में है, इसको बेच देना चाहिए, तो ये जो उद्योगपति जो मुनाफा कमाने के लिए आपके सर का बाल तक बेच दे, वो एक घाटे वाली कंपनी खरीदेगा क्या? हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया है। आज मैं आपसे आखिरी बात कहकर के जा रहा हूं, आज सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा खतरा इस देश के नौजवानों को है, जिनकी पीढ़ी को धर्म के नाम पर अंधा बना दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने के नाम पर वो बुली ऐप बना करके 100 मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन नीलाम कर रहे हैं, वो 18 और 20 साल के बच्चे हैं। आपकी पीढ़ियां बर्बाद कर दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि हम डॉक्टर अंबेडकर की वजह से यहां बैठे हैं। मैं कह के जा रहा हूं, जो आपके शिक्षा और रोजगार की बात न करे, मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैं ओबीसी समाज से भी शिकायत करता हूं और वहां से भी गालियां खाता हूं, मुझे वोट नहीं चाहिए किसी का। हम अपने दम पर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हैं, किसी के वोट मांगकर नहीं बने। तब तक समझते थे कि हमारे पुरखे, हमारे घर परिवार वाले मेहनत करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बने, तब तक ये समझते थे कि हम अपनी काबिलियत से बने हैं, लेकिन बाद में ये समझ में आया जब हमने अपने पुरखों को पढ़ा कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन ना होता तो मैं कभी यहां नहीं होता और आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो जिस सीढ़ी से चलकर मैं आया हूं वो सीढ़ी मेरी आंखों के सामने तोड़ी जा रही है, और मंच पर आकर के मैं आपसे तालियां बजवाने के लिए वो बात कहूं कि सब लोग खुश हो जाएं और कल को मुझे वाइस चांसलर बना दें, वो वाइस चांसलरी किस काम की है कि कल वापस जाके जब मेरे लोग मुझसे पूछेंगे मेरी नौकरी बर्बाद हो गई, शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार बर्बाद हो गया, तुम उन लोगों के साथ बैठ करके कह रहे थे जय भीम जय मंडल। ये सबसे बड़ा खतरा है, उन लोगों को पहचानिए जो आपके वैचारिक दुश्मन हैं। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैं ओबीसी समाज को एक शिकायत करता हूं, इस देश में ज्योतिबा फूले माली जाति से आते थे, ओबीसी थे, डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपना तीसरा गुरु बनाया था, शाहू जी महाराज ओबीसी जाति के थे, पेरियार चरवाहा समाज के थे, ओबीसी घरों में इनकी तस्वीरें नहीं है, शिवदयाल सिंह चौरसिया 1928 में बिहार में और उत्तर प्रदेश में आदि हिंदू सभा बनाए और जब हिंदू लोगों ब्राह्मणों के पास गए और उनसे कहे कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाया है इसकी मेंबरशिप ले लो, तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू थोड़े ही हैं हम तो आर्य हैं, तब चौरसिया साहब खड़े हुए और उन्होंने वो पर्चा फाड़ के कहा जब तुम हिंदू हम हिंदू हम तो ये समझते थे दोनों एक हैं, और जब तुम हिंदू नहीं तो हम भी हिंदू नहीं, और उन्होंने उसका नाम बदल कर कहा डिप्रेस्ड क्लासेस लीग बैकवर्ड क्लासेस लीग। 1948 में उसका लखनऊ में सेमिनार कराया और उसके अध्यक्षता करने के लिए पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया, तब जाके बहुजन एका बनी थी। बस खतरा यह है कि उन लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया गया, पनवाड़ी घरों में शिवदयाल सिंह चौरसिया का नाम नहीं है, मेरे अपने यादव घरों में पेरियार ललई सिंह यादव का नाम नहीं है, पेरियार ललई सिंह यादव ने क्या कहा था मैं उनकी बात कह के रहा हूं, बलिदान न सिंह का होते सुना बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया विषहीन सदा तड़पाए गए, ये कहा था पेरियार ललई सिंह यादव ने। और जब त्रिवेणी संघ बना 1930 में बिहार में और बाद में अर्जक संघ बना उत्तर प्रदेश में, इन दोनों का नारा क्या था, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान ब्राह्मण भंगी एक समान, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60 संसोपा ने बांधी गाट, तब उसको जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा ने नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, और राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, और सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप नेताओं के गुलाम बन गए इसलिए क्योंकि आप एकजुट नहीं रहे, अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धर्म खतरे में है, अरे उससे रोक के पूछिए हमारा स्कूल और विश्वविद्यालय खतरे में है तब तुम क्यों नहीं आए, मेरी नौकरी कोरोना में चली गई तब तुम क्यों नहीं आए, हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई तब तुम क्यों नहीं आए, और 85% हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है, और उसके बाद दलित महिला थी, सुनिए दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी, और दलित महिला की जाति देखकर सवर्ण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया, ये मेरा सवाल है, उस महिला की जाति देखते हो क्योंकि वो दलित है इसलिए हम खाएंगे नहीं। पूछिए उन लोगों से 2 अप्रैल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंद्र से लेकर के राज्य में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे, पूछिए उन लोगों से 13-point रोस्टर आया तो वो कहां थे, पूछिए उन लोगों से नई शिक्षा नीति के नाम पर जब सब बेचा जा रहा है, और आज आप कह रहे हो पाकिस्तान कब्रिस्तान, इस देश में हिंदू मुस्लिम की आग तब लगाई जाएगी जब दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे अपनी शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेंगे, आज इस देश में एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया गया और हाथरस में बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया तब उस राष्ट्रपति की क्यों जय जवान खोली, यह सच पूछना जरूरी है, और आपने मुझे आमंत्रित करने का जोखिम लिया था, मैं अपना काम करके जा रहा हूं, आपने ये बात जो कही थी
ऐसे मंचों पर आप हमें नहीं भी बुलाएंगे तब भी भारत के संविधान और मंडल कमीशन ने एक नौकरी दे दी है, हम वहां गुजारा कर लेंगे, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मंच से घर जाने के बाद ये महिलाएं और बच्चियां, ये नौजवान अपने घर में अपने बाबूजी से पूछें कि दाब तो धर्म को बचाने गए थे, मेरी शिक्षा, मेरी रोजगार, मेरी नौकरी और मेरे देश को बेचने वालों के साथ क्यों खड़े थे। ये सवाल आपसे पीढ़ियां पूछेंगी। मैं जानता हूं कि मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, पता नहीं अगली बार आप बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैं ये बात कह के जा रहा हूं, जंगल में आग लगी, चिड़िया पानी डाल रही थी और कुछ चिड़िया उस पेड़ से उड़ नहीं रही थी। कविता लिखी है कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उन पक्षियों का जवाब ध्यान से सुनिएगा, फल खाएं इस वृक्ष का, गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है, जलें इसी के साथ। आपके लोग आपको छोड़ करके जो चले गए अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए, बाबा साहब के सबसे अच्छे वारिस, सबसे बड़े वारिस ने एक किताब लिखी है, उसको पढ़िएगा, चमचा युग। उस किताब में कई किस्म के चमचे लिखे हैं। 1932 में पूना पैक्ट, आज लोग कहते हैं गांधी बनाम गोडसे, गोडसे की मूर्ति और गोडसे के नाम पर इस देश में दंगा। बाबा साहब ने कहा, और यह बात हमें समझनी चाहिए, अपने पुरखों का केवल नाम लेके फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, नौजवानों की पीढ़ी को समझाइए, नहीं तो कल को, आज रामायण देख रहा है टीवी पर, कल राम मंदिर बनवाने चला जाएगा, आपका घर लूट जाएगा, वहां आप खड़े हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर रोए थे पूना पैक्ट जब करके आए, गांधी को 3 गोलियां मारी थी उन लोगों ने जो आज शासन कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं हमारे पुरखे ने गांधी की जान बचाई है, उन्होंने 3-3 गोलियां गांधी के सीने में मारी है, हम वो लोग हैं। और आखिरी बात कह के जा रहा हूं, इस देश में बहस चला रही यार ये गांधी बनाम गोडसे, आप गांधी के साथ हैं कि गोडसे के साथ हैं, मैं कहता हूं गांधी बनाम गोडसे में हम गांधी की हत्या करने वाले नहीं, गांधी का जीवन बचाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर और गांधी की बहस में हम पेरियार के साथ हैं, भगत सिंह और गांधी की बहस में हम भगत सिंह के साथ हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की बहस में गांधी के नहीं डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं, और गांधी और लोहिया की बहस में हम लोहिया के साथ हैं। ये हमारी विरासत है। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी साहब कि जब देश लूट रहा था, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा था, दंगाई बनाया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे। वो जो चिड़िया जंगल में आग लगी थी ना, तो चोंच से पानी भर के उस आग पर डाल रही थी, एक कुर्सी से बिक करके हम चमचे हो गए। मान्यवर साहब की बात कर रहा हूं, अपनी बात तो कह भी नहीं रहा। मान्यवर साहब ने कहा कि कई किस्म के चमचे हैं, उसमें ओबीसी चमचों की भी बात की गई थी। कुछ ओबीसी लोग ऐसे भी थे, मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई और घर जब गंगा जल से धुलवाया गया तब उनको समझ में आया, अरे हम तो अगड़ा समझते थे, ये तो पिछड़ा है। हमें तो सबका सच कहना है ना। एक हाथ में जय भीम जय मंडल और दूसरे हाथ में परशुराम की कटार, ये कभी नहीं चलेगा, वरना पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। विष्णु मंदिर, परशुराम मंदिर बनवा के, बहुजन से सर्वजन करवा के, आप क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे। आपके विचारों से लड़ाई है। एक तरफ 1925 में बना एक संगठन है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, और एक तरफ 1924 में बना समता सैनिक दल है। पूछिए आप कहां खड़े और वो कहां चले गए। क्यों नहीं बाबा साहब का बनाया हुआ यह संगठन, 85% लोगों का राज, जिन्होंने इस देश को हाथ से काम दिया, उन्हीं लोगों को आज यूनिवर्सिटी में बैठकर एनएफएस किए जा रहे हैं। कितने लोग संसद और विधानसभा में बैठे थे वो आपके लिए लड़े। आखिरी बात, उस चिड़िया की बात करके जा रहा हूं, उस चिड़िया से पूरे जंगल के लोग, जंगल के पक्षी मजाक उड़ाते हुए कहे कि इतनी बड़ी आग लगी है जंगल में, देश बेचा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, किया जा रहा है, और तुम अपनी चोंच से पानी भर रही हो। अलीगढ़ के इस सभागार में उपस्थित लोगों, आपसे यही कह के जा रहा हूं, उस चिड़िया का जवाब,
उसने कहा था कि मुझे पता है कि मेरी चोंच की एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल की आग का हिसाब मांगा जाएगा कि जब आरक्षण खत्म कर दिया गया, जब निजीकरण के हाथों अंबानी अडानी के हाथों पूरा देश बेच दिया गया, नई शिक्षा नीति में शिक्षा बेच दी, प्राइवेटाइजेशन में रोजगार बेच दिया, कोरोना में आपकी जान बेच दी, हिंदू हिंदू करके नफरत फैलाया गया, उस देश में पसमांदा तबके के लोगों से पूछिए, इस देश में नाई जुलाहा मोची मल्ला जो पसमांदा बन के मुसलमान हुए, 300 लोग लिंचिंग में मारे गए, 300 में एक भी अपर कास्ट मुस्लिम नहीं है। ये कौन है 15% लोग जो पीछे खड़े होकर आपके बच्चों को दंगा कराने भेजते हैं, और गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनके करोड़ों रुपया कमा रहा है। आपके बेटे और उसके बेटे में यही फर्क है। तो वो चिड़िया, उसने यही बात कही थी कि मुझे पता है कि इस जंगल की आग से, मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।